हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केतन पाटिल ब्लॉग्स। और आप सबको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे यूट्यूब चैनल केतन पाटिल ब्लॉग्स की तरफ से विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। सो ये आने वाला साल आपके लिए कुछ नई उम्मीदें, कुछ नए रास्ते और कुछ नए सपने और आपके जितने भी सपने और सभी पूरा करें। ऐसे में भगवान श्री गणेश से, यानी भगवान कृष्ण से और भगवान श्री गणेश से, उनके आशीर्वाद आप सब पे बने रहे। ऐसे मैं भगवान से दुआ करता हूँ। और ये रहे मेरे नाना जी, आप तो जानते ही हैं, ये मेरे नाना जी हैं, तो उनको भी आपके सामने भी एक बार विश कर देता हूँ। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर नाना जी, उनके आशीर्वाद ले लेते हैं आज। ऐसे तो मैं मेरे एग्जाम के टाइम पे लेता हूँ, लेकिन रोज़ शायद वो भूल जाता है, होता है कभी कभी। लेकिन मेरे लाइफ में कभी भी खास दिन हो या कुछ त्यौहार हो, मैं वो उस दिन नहीं भूलता, मैं मेरे नाना जी के आशीर्वाद लेता ही हूँ। ऐसे मेरे नाना जी के आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बने ही रहते, क्योंकि मैं उनका फेवरेट भी था, यानी फेवरेट था ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ, हमारे दोस्त जैसा था। दोस्त कैसे, वो लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, वैसे ही हम थे। हमारी बॉन्डिंग भी वैसे थी, हम बहुत झगड़ते थे लेकिन एक दूसरे के साथ भी बहुत रहते थे। मैं मेरा रोज़ का जो स्ट्रीट फूड ब्रेकफास्ट रहता था ना, यानी बाहर का जो नाश्ता करता था ना, वो हमेशा उनके साथ, और उनको भी बाहर का खाना इतना पसंद था और मुझे भी पसंद था, तो वो जब भी बाहर जाए तो मुझे तो साथ ही ले ही जाते थे नाश्ता करने के लिए। और वो उनका स्वभाव थोड़ा ऐसा था ना कि वो हमेशा ऐसे उनकी, यानी उसने फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे कभी भी बाहर थोड़ा वो पैसा खर्चना या कभी ऐसा कुछ सोचते नहीं ज़्यादा था कि अभी मेरा खर्चा हो जाएगा क्या, यानी फ्री माइंड थे और वो हमेशा सबकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। तो बस उतना ही। और आप सबका भी ये साल अच्छा जाए, ऐसे मैं आप सबको गुड विशेस देता हूँ। और आप भी इस साल अपने जो सपने हैं, अपने जो उम्मीदें हैं, वो पूरी तरह से पूरी कर सके, वैसे मैं आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। तो बस आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह की है, न्यू ईयर के दिन, तो देखते हैं अपने चैनल को भी आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे कुछ नया करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। उसके लिए मुझे आपके और आपके पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी बढ़ते आगे और देखते हैं आज का पूरा रूटीन कैसा रहता है। वैसे तो आज मेरे घर खाना खाने के लिए मम्मी पापा और मेरे जो दादा दादी गाँव से आए वो भी आने वाले, तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगा। मेरे मम्मी पापा को आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन ऐसे स्पेशली मैंने कभी मिलवाया नहीं है, तो आज मैं जब मिलवाऊँगा। और मेरे दादा को वो आते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन दादी आएगी तो उनसे आपको ज़रूर मिलवाता हूँ। तो बस आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में। बस अभी मैंने नहा लिया है लेकिन कपड़े चेंज नहीं किए, तो बस अभी मैं तैयार होऊंगा और मुझे ऑफिस जाना है। तो बस फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुका हूँ। तो मैंने आज न्यू शर्ट पहना है, तो ये न्यू शर्ट कैसा लग रहा है एक सेकेंड आपको अभी दिखा दो। तो ये न्यू शर्ट कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कैसा लग रहा है आपको ये न्यू शर्ट? मैंने नए साल पे न्यू शर्ट पहना है, तो कैसा लग रहा है प्लीज़। सो हाय फ्रेंड्स, मैं अभी जॉब से घर पे आ गया हूँ, तो बस अभी मैं मेरी शाम की जो पूजा है वो पापा की, वो पूजा करूँगा। और आपको जैसे बोला था कि मैं मेरे फैमिली शाम को डिनर के लिए आएगी, तो उसे आपको ज़रूर मिलवाऊँगा। तो सबसे पहले आपको दादू से मिलवाता हूँ। तो ये रहा दादू। हाय दादू, यहाँ तो जो हाय दादू। तो बस अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या बन रहा है आज डिनर में, आपको वो भी शेयर कर रहा हूँ। दादू जेठालाल देख रहा है, अब मैं से किसका फेवरेट शो जेठालाल है बता। तो अभी मैं चलता हूँ आपको किचन में, माहौल अच्छा। देखिए दादू को कितना हंसी आता है जेठालाल, देखते हो दादू। हाय, यस भी पाना रहा हूँ ब्लॉग। हाय, चले अब हम नीचे चलते हैं। काय पड़ा आता घर ही ममता बनता है आज, उनका बम मम मांगते, वो खा मम मांग रहा है, बाहर का नाश्ता मांग रहा है। तो बस दिखा दो पूरा, अरे नहीं है क्या आवाज। तो हमारे वहाँ अभी पूरम पोड़ी बन रही है,
ये मम्मी पूरन पोली बना रही है, ये मेरी दादी है। अच्छा हाथ करा हाथ करा। और यहाँ नानी है। कौन है? चाकी तो आधा हो गया, तो आज जब डाल ले ना उसे तो नहीं। फोन अटक तो, फोन अटक तो। जितने ये देखो हमारे वहाँ बिल्ली घूमती है। कहाँ का बिल्ली? कली का बिल्ली। तेरा बिल्ली देखो हमारे वहाँ घर में भी घुस जाती है कभी कभी।